हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का काजल बेस्ट कुकिंग हाउस में। और आज हो रही है बारिश, तो बारिश के मौसम में कुछ भी चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं और ये है गाजर, मटर और बीन्स। और इधर ये आलू और फूलगोभी, इनको भी मैंने आलू को छील लिया है और फूलगोभी को काट के उसके पीसेस कर लिए हैं। ये प्याज लिया है, ये बड़ा वाला प्याज लिया है मैंने एक, और दो टमाटर कट किए हैं। और अभी हम सब्जियों को कम से कम 2 सीटी के लिए कुकर में, प्रेशर कुकर में रख देंगे। 2 सीटी आने तक उसे पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे, और पानी इसमें मैंने आधा गिलास ही डाला है क्योंकि पानी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं हाई फ्लेम पे रख दूँगी ताकि ये फटाफट से हो जाए। और इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें मैं घी गरम करूँगी। आप घी की जगह आपका ऑयल भी गरम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। तो जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से पका लेना है। और अगर आप इसमें चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं डालूँगी। ब्राउन हो गया और अभी इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर डालेंगे। तो टमाटर प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को गलने तक हम लोग अच्छे से पकाएंगे। तो टमाटर हमारे थोड़े से पक गए हैं और अभी हम इनको अच्छे से गलाना है। तो मैं इसमें 1 से 2 हरी मिर्च कट करके डाल दूंगी, आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हो। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, टमाटर एकदम पक जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच लिया है लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और 1 चम्मच, छोटा चम्मच ये है चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला लिया है तो आधा डालूंगी मैं। आधा जब अच्छे से पूरा पक जाएगा इसके बाद में ज़्यादा टाइम ऐड करेंगे। और ये है नमक, नमक हमें लेना है स्वाद के अनुसार। और अभी इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारे भून जाए। और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने लो ही रखा है। जब मसाले हमारे अच्छे से भुनने लगेंगे और ये जो इसमें घी है वो ऊपर आ जाएगा, तब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो फाइनली मसाला है वो बन के रेडी हो गया है। तो मसाले को हम गैस को एकदम स्लो कर देते हैं और तब तक सब्जियों को चेक करते हैं। तो सब्जी हमारी पक गई है और अभी मैं इनको अच्छे से बारीक मैश कर लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एकदम बारीक बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा जो इसके पीसेस दिखने चाहिए वैसा मैं इसको करूँगी। अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैश करने के बाद अभी इसको मिक्स कर देंगे। और जब मैं मिक्स करूँगी उस टाइम इसको थोड़ा थोड़ा मैश मैं उस टाइम कर लूँगी। आप चाहे तो इसको बिल्कुल हाथों से भी मैश कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जो आलू मैश है मैंने उसी से अच्छे से मैश किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस थोड़ा सा मीडियम
करके, और इसको मैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, और इसको थोड़ा ठीक ही रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे। और कुछ बड़े पीसेस लग रहे हैं तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी ये बन के बिल्कुल रेडी है, और अभी हम इसको हरे धनिए से गार्निश करके और गर्मा गर्म और पाव को अच्छे से हम तवे पे सेकने के बाद इसको सर्व करेंगे। तो बन के रेडी है हमारी गर्मा गर्म भाजी।